आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के चौमहला में चौमहला प्रीमियर लीग सीजन 2 क्रिकेट टूर्नामेंट का आज रविवार को उद्घाटन हुआ। टूर्नामेंट की शुरुआत से पूर्व कमेटी द्वारा टीमों के स्पॉन्सर्स, सहयोगियों व मुख्य अतिथियों व पत्रकारों का माल्यार्पण कर कमेटी द्वारा स्वागत किया गया व क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी स्वर्गीय साजिद खान को खिलाड़ियों द्वारा 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों ने हाथों में तिरंगा लेकर चक्कर लगाया व उसके बाद अतिथियों ने द्वारा फीता काटकर मैच का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच चौमहला वारियर्स व चौमहला सुपर किंग्स के बीच हुआ। टॉस जीतकर चौमहला वारियर्स ने बल्लेबाजी की, जिसमें वारियर्स ने 8 ओवर में 54 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए चौमहला सुपर किंग्स ने 55 रन बनाकर मैच जीत लिया गया। वहीं दूसरा मैच चौमहला नाइट राइडर्स व चौमहला रॉयल चैलेंजर्स के बीच हुआ, जिसमें चौमहला नाइट राइडर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 105 का लक्ष्य रखा, वही लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 ओवर में 67 रन बना पाई। चौमहला नाइट राइडर्स ने 38 रन से मैच को जीत लिया। आमन पासी ने 45 रन बनाए, अमन खान ने 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने। 6 जनवरी तक यह टूर्नामेंट चलेगा। मैच के मैन ऑफ द मैच योगेंद्र सिंह रहे। टूर्नामेंट में कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री, ऑनलाइन रन स्कोर की जिम्मेदारी अमित अग्रवाल, सुमित शर्मा, मनीष पासी ने संभाली, वही अंपायर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक पूरण शर्मा, हुकुम चंद कालरा व राजेश सिंधी रहेंगे। उद्घाटन के दौरान व्यापार संघ अध्यक्ष नारायण लाल अग्रवाल, नरेंद्र सिंह प्रतिहार कच्छनारा, बगदीराम गायरी, हरेश गोड़, आदित्य जैन, महेंद्र सिंह जोधाना, शीतल ओसवाल, प्रवीण गुप्ता, जगदीश वर्मा, प्रधान सिंह, आर सी वर्मा, शिवलाल वर्मा, राजेंद्र पासी, पूरन शर्मा, श्याम सिंह, आंजना नारायण सिंह, शंभू सिंह, अशोक गायरी सहित कमेटी सदस्य व सैकड़ों दर्शक मौजूद रहे। खबर आपकी राजस्थान से, आबिद हुसैन आनू की रिपोर्ट।